हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं ललॉयड स्टील लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में लगातार दो अपडेट निकल के आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या अपडेट निकल के आता हुआ दिखाई दिया है, और ये जो अपडेट निकल के सामने आया फिलहाल, जो 27 तारीख को मीटिंग होते हुए दिखाई दी है, उसमें ये फिलहाल अपडेट देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम अपडेट की बात करें तो ये जो कंपनी अभी हाल ही में जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई दी थी, उसका फिलहाल रिकॉर्ड डेट ये तय करते हुए दिखाई दे रही है। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो रिकॉर्ड डेट निकल के सामने आया है, वो फिलहाल क्या होता हुआ देखने को मिल रहा है, और इससे कितना जो है शेयर होल्डर को फायदा होता हुआ दिखाई देने वाला है। इसके अलावा ये जो कंपनी है, जो अपना एनुअल जनरल मीटिंग करने वाली है 26 जुलाई को, जिसके बारे में हमने पूरा डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है, उसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे। उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो वोटिंग से संबंधित निर्णय होना है, उसके लिए भी जो कट ऑफ डेट है, जो रिकॉर्ड डेट है, जारी कर दिया गया है, जिसे फिलहाल बुक क्लोजर डेट कहा जाता है, निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसे भी हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो रिकॉर्ड डेट निकल के सामने आया है, वो क्या होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो कुछ और भी अपडेट निकल के सामने आए होंगे, तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, और जो भी न्यूज़ निकल के सामने आई है, उन्हें एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है, वो फिलहाल यहाँ पे लगभग 1% की गिरावट के साथ आज बंद होते हुए दिखाई दे रही है, और ये 70 रुपये से 71 रुपये के बीच में ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। हालांकि ये जो कंपनी है, एक समय 2 से 3 रुपये पे ट्रेड किया करती थी, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है, लगातार इसमें तेजी दिखाते हुए आज 70 रुपये के पार होते हुए देखने को मिल रही है, और इसमें लगातार जो अच्छे अच्छे डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसके बाद इस कंपनी ने लगातार तेजी खाई है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में इस कंपनी ने लगभग 2% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करेंगे अगर हम 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में ये जो कंपनी है लगभग 15 से 16% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। जबकि 6 महीने की बात करेंगे तो लगभग 71 से 72% का रिटर्न निकाल के ये दे चुकी है। वहीं अगर हम बात करें एयरटेल रेट की, तो ये जो कंपनी है लगभग 62 से 63% का रिटर्न निकाल के ये दे चुकी है। वहीं अगर हम बात करें इसके 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 57 से 58% का रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये फिलहाल मात्र 51% का ही रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। इसका मेन जो कारण निकल के सामने आया है, आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है NSE पे 20 अक्टूबर 2023 को लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी 46 रुपए 85 पैसे पे। लेकिन जब आप BSE पे जाएंगे, तो इसके बारे में वास्तविक जानकारी निकल के आता हुआ दिखाई देने वाला है, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। यहां पे हम BSE का चार्ट खोले हुए हैं, और यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है, वो फिलहाल कैसे अपसाइड दिखाते हुए नजर आई है, और ये जो कंपनी है वो लिस्ट होते हुए आपको दिखाई देगी 2016 में 2 रुपए 1 पैसे पे, और ये जो कंपनी है 2 रुपए से बढ़ के फिलहाल 70 रुपए 60 पैसे पे BSE पे ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। और ये जब से लिस्ट हुई है 2016 में, तब से लेकर अभी तक ये 3412% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है, वो फिलहाल लगभग 2022 से पहले तक ये फ्लैट चलती हुई दिखाई दी थी, और ये 2 रुपए से लेकर 4 रुपए के बीच में ही ट्रेड करते हुए नजर आती थी। लेकिन जैसे ही दो कोरोना काल आया, और कोरोना काल के बाद इस कंपनी में एक तरीके से कहा जाए तो काया पलट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जो कंपनी है अच्छा खासा तेजी दिखाते हुए नजर आ रही है। अब हम अगर बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आई है उनकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 28 तारीख को, यानी आज भी न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट से संबंधित न्यूज़ है, इसलिए हमारे काम का ये बिल्कुल भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम बात करें 27 तारीख के न्यूज़ की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 27 तारीख को एक जो है मीटिंग होते हुए दिखाई दी थी, और उसमें कुछ निर्णय होते हुए दिखाई दिए हैं, और इस साथ ही साथ जो क्लोजर ट्रेडिंग विंडो है, वो भी 27 तारीख को, उससे संबंधित न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए हम इसे एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके क्लोजर ट्रेडिंग विंडो से संबंधित जो न्यूज निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है अपने जो Q1 का रिजल्ट है उसकी तैयारी शुरू कर दी है, और जो अभी क्वार्टर बीतने वाला है 30 जून को, उसके बारे में यहाँ पे अपडेट निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। और बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है फिलहाल 1 जुलाई 2024 से ट्रेडिंग विंडो है, वो न केवल प्रोमोटर के लिए बल्कि प्रोमोटर ग्रुप के अलावा कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके लिए बंद करते हुए दिखाई देने वाले हैं,
क्योंकि जो अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है वो फिलहाल आता हुआ दिखाई देने वाला है जल्द से जल्द। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है अपने Q1 की रिजल्ट की तैयारी में जुटते हुए नजर आ रही है, और ये जो ट्रेडिंग विंडो क्लोज हुआ है वो फिलहाल जब Q1 का रिजल्ट निकल के सामने आ जाएगा तो उसके 48 घंटे के बाद ये फिलहाल ओपन होता हुआ दिखाई देगा। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो एक तरीके से अपना रिजल्ट की तैयारी में जुटते हुए नजर आ रही है। अब हम अगर बात करें दूसरे न्यूज की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दूसरी न्यूज निकल के सामने आई है, वो भी 27 तारीख को आते हुए दिखाई दे रही है, और इसमें ये बताया जा रहा है कि इंटीमेशन ऑफ द रिकॉर्ड डेट, बुक क्लोजर डेट एंड 13th जो एनुअल जनरल मीटिंग है उसके बारे में कुछ जानकारी निकाल के देते हुए नजर आ रहे हैं। और 30 जो एनुअल जनरल मीटिंग होनी है वो फिलहाल 26 जुलाई 2024 को 11 बजे से शुरू होते हुए दिखाई देगी, और वो न केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होता हुआ दिखाई देगा बल्कि जो ऑडियो वीडियो विजुअल मींस में भी, या और साथ ही साथ बिना ये फिजिकल प्रेजेंस के मीटिंग होते हुए दिखाई देने वाली है। इसके अलावा जो बुक क्लोजर डेट है और जो रिकॉर्ड डेट है उसके बारे में भी ये अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ ये बता रहे हैं कि जो अभी इस कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था उसका ये फिलहाल रिकॉर्ड डेट जारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा जो वोटिंग होनी है इस पे, यानी डिविडेंड पे जो वोटिंग होनी है, और इसके अलावा जो और जो रिजोल्यूशन है उस पे वोटिंग होनी है, उससे संबंधित जो बुक क्लोजर डेट है उसको अभी अनाउंसमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये जो डेट है वो फिलहाल फ्राइडे 19 जुलाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात 19 जुलाई से पहले जिस भी शेयर होल्डर के डीमैट अकाउंट में इस कंपनी के शेयर होंगे उन्हें अच्छा खासा डिविडेंड मिलता हुआ दिखाई देगा, और साथ ही साथ जिस शेयर होल्डर के पास इस 19 जुलाई से पहले उनके डीमैट अकाउंट में इसके शेयर होंगे तो उन्हें फिलहाल इस मीटिंग में शामिल होने का भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौका मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। इसके अलावा जो रिमोट ई वोटिंग की यहां पे सुविधा दी गई है वो फिलहाल उसके बारे में भी ये जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो ई वोटिंग होगी वो 22 जुलाई मंडे से खुलती हुई दिखाई देगी, और ये फिलहाल 25 जुलाई 2024 तक चलते हुए दिखाई देगी 5 बजे तक, और 26 जुलाई को फिलहाल एनुअल जनरल मीटिंग होते हुए देखने को मिलेगी। अर्थात जो वोटिंग का निर्णय होना है वो फिलहाल उसी दिन यानी 25 जुलाई को होता हुआ दिखाई देगा, और 26 जुलाई को फिलहाल ये एक्सचेंज को बताते हुए नजर आएंगे कि इसका फिलहाल क्या रिजल्ट आता हुआ देखने को मिला है। और इसी के बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल से जानकारी दे रहे हैं कि जो इक्विटी शेयर है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये रिकॉर्ड डेट तय करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके बारे में कौन कौन से डेट दिए गए हैं इसके बारे में तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो कट ऑफ डेट दिया गया है फिलहाल 19 जुलाई ये देते हुए नजर आ रहे हैं, और ये जो कट ऑफ डेट है ये ई वोटिंग का कट ऑफ डेट होता हुआ दिखाई दिया है जो कि एलिजिबल मेंबर के लिए मात्र होता हुआ देखने को मिला है। इसके अलावा जो फाइनल डिविडेंड है 2023-24 का उसके बारे में जो ई वोटिंग होनी है उसका भी कट ऑफ डेट ये जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ बता रहे हैं कि जो ये एनुअल जनरल मीटिंग होगी 26 तारीख को उसके एक महीने के अंदर फिलहाल ये डिविडेंड मिलता हुआ देखने को मिलेगा। मिला जुलाकर ये कहा जा सकता है कि 26 जुलाई का जो डेट है ये इसे याद रखिएगा, क्योंकि जिस भी शेयर होल्डर के पास ललोइड स्टील का शेयर होगा उसे न केवल डिविडेंड मिलता हुआ दिखाई देगा बल्कि 26 जुलाई को जो कुछ भी निर्णय होंगे उसके बारे में भी पूरी जानकारी निकल के आती हुई दिखाई देने वाली है। कर लें यहीं पे इसके कारोबार की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिलहाल अभी भी डेटा अपडेट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जो लेटेस्ट डेटा है वो 27 जून को अपडेट होता हुआ देखने को मिल रहा है बीएससी पे, और इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई थी वो 14 लाख शेयरों की मात्र ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दी थी, जिसमें से लगभग 5 लाख जो शेयर हैं वो डिलीवरी उठते हुए दिखाई दिए थे। जो ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है भले ही ये जो कंपनी लगातार अच्छे अच्छे अपडेट दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो डिलीवरी है वो बहुत ही कम उठाई जा रही है, मात्र 34% के आसपास, और जो ट्रेडर हैं वो अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और जो इन्वेस्टर हैं वो बहुत ही कम मात्रा में डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया जा रहा है और सिर्फ जानकारी देने के लिए बनाई जा रही है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।